नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया लाइव है। जातीय जनगणना प्रकाशित होने के बाद एक तरफ जहां कुछ जातियां जो है विरोध कर रही हैं, तो वहीं कुछ जातियां जो है इसका जश्न मना रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आरोप लगा रहे बिहार सरकार पर कि हम लोग को जाति को जानबूझकर कम करके दिखाया गया है, तो वहीं कुछ जातियाँ ऐसे हैं जो बिहार सरकार का धन्यवाद देते नहीं थक रही हैं। उन्हीं में से आज हमारे साथ बात करेंगे बारू नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, जो कि पहले ही चुनाव में अपने विरोधियों को क्लीन स्वीप कर दिए हैं। नाम है रिजवान इदरीसी। और आज के डेट में वर्तमान समय में देखा जाए तो ये मुसलमानों के काफ़ी एक बड़े चेहरा बनते जा रहे हैं और धीरे धीरे जिला में अपना पहचान बनाते जा रहे हैं और युवाओं के बीच एक अपना फैंस फॉलोइंग बनाते जा रहे हैं। तो इसी बीच आज हम बात करेंगे कि इनका इस पर क्या मानना है जातीय जनगणना को लेकर। सुमन जी, जातीय जनगणना प्रकाशित कर दिया गया है और मुसलमानों की जनसंख्या देखा जाए तो 17 पॉइंट कुछ लगभग इस तरह से दिखाया गया है, तो आप इससे संतुष्ट हैं या आपको भी बिहार सरकार से कोई परेशानियाँ हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। मेरा कोई बिहार सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ जातीय जनगणना से। जो आप लोगों का जनसंख्या है रियल में दिखाया गया है, जो एकदम रियल में दिखाया गया है, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसे कुछ जातियाँ जो आरोप ये लगा रहे हैं कि हम लोग घर पर कोई जनगणना करने नहीं आया था, तो क्या आपके भी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई समस्या आई है या सिर्फ एक मतलब बहानाबाजी लोग कर रहे हैं इसको बदनाम करने के लिए? ऐसा कोई बात नहीं है, जनगणना सभी जगह हुई है, घर घर हुई है, मेरे घर भी हुई है, जनगणना हुई है। तो फिर कुछ लोग आया आरोप लगा रहे कि हम लोग घर हुआ ही नहीं जनगणना, फिर हम क्यों मानेंगे? मानना ही होगा, सरकार का निर्देश है जनगणना हुई, यही सच्चाई है। जब झूठ लोग बोल रहे हैं? नहीं, ये सच्चाई है। तो सच्चाई क्या है कि नहीं हुई है जनगणना? जनगणना हुई है। तो जनगणना हुई है, सच्चाई की जनगणना हुई है जी। आप लोग जिस तरह से जनसंख्या है 17 पॉइंट कुछ% मुसलमानों का, इससे आपको क्या लग रहा है कि ये आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में आप लोग की जनसंख्या और बढ़नी चाहिए? एकदम बढ़नी चाहिए जनसंख्या, एकदम बढ़नी चाहिए विधानसभा लोकसभा में। जितना आपका जनसंख्या है उसी हिसाब से आप लोग की भागीदारी कम है? जी, भागीदारी हम लोग की जनसंख्या है पर भागीदारी हम लोग की कम है। मैं सरकार से यही मांग करूंगा हम लोग को भी कोई बढ़ चढ़ के भागीदारी हिस्सा दे, ताकि हम लोग भी कुछ आगे बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा ले सरकार के भागीदारी में। क्या आपको लग रहा है कि देश भर में जनगणना होना चाहिए? जी, एकदम होना चाहिए। मैं तो भारत सरकार से कहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये बिहार सरकार से सीख लेना चाहिए कि जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार जो ने जनगणना किया है, ये भारत सरकार को पूरे देश में भारत में करना चाहिए जनगणना, मतलब पूरे देश में हो जनगणना। जी, पूरे देश में होना चाहिए, जो रियल डाटा है वो सबके सामने प्रकाशित हो। जी, एकदम। ऐसा भी लोग आरोप लगा रहे कि ये जो जनगणना करके जो है आपसी जात पात भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जनगणना होनी चाहिए गरीबी अमीरी की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनगणना जो है जाति पर ही होती है कि कितनी बिहार में किसका कितनी जाति है, उसी चीज़ से आदमी आरक्षण पाएगा। जनगणना मतलब जनगणना सही चीज़ हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई जात पात नहीं फैलाया जा रहा है। नहीं नहीं, जाति नहीं फैलाया जा रहा है, जाति जनगणना जो हुआ है ये सही है, ये मैं इसको मानता हूँ। चलिए रिजवान जी, आप एक आखिरी आपसे सवाल, आप नगर बारू नगर पंचायत का वार्ड नंबर 2 से वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र में अभी कैसा काम चल रहा है? मेरे क्षेत्र में काम जो है एकदम बढ़िया चल रहा है। जब हम चुनाव लड़कर वार्ड नंबर 2 से पार्षद प्रतिनिधि जीते तो हमको लगा कि काम में बहुत सारी दिक्कत है, तो हमने एक मस्जिद के सामने वार्ड नंबर 2 में पड़ता है, वो नली बहुत थी वहाँ पर, जर्जर बहुत नली ख़राब थी, तो वहाँ हमने देखा कि यह काम मैं स्टार्ट करूँगा तो यहीं से करूँगा, मैंने ठान लिया था। और मैंने चेयरमैन साहब माननीय इंदू देवी मुख्य पार्षद नगर पंचायत बारून के, उनको मैं उनसे मिला और उनको मैं बताया कि ऐसा ऐसा मेरा समस्या है, उन्होंने मेरा निजी फंड से अपना मेरे काम को आगे बढ़ाया। सब निजी फंड से करवाए थे? जी, कोई फंड अभी नहीं अभी किया था, अभी भी फिलहाल फंड के बहुत सारी दिक्कतदारी है, तो मैं निजी फंड से, मेरे मैडम जो है इंदू देवी चेयरमैन, निजी फंड से काम करवाया। आने वाले समय में जो आपका अभी कार्यकाल बचा हुआ है, जो आपके लोग, जो अपने लोग आपको जो चुनाव जितवाए हैं, जो आपको पहले ही चुनाव में आपको वार्ड पार्षद बनाने का काम किए हैं, उन लोग के लिए आने वाले समय में आपका मुख्य कार्य क्या रहेगा जो हमेशा यादगार रहेगा? मेरा मुख्य कार्य यही है कि जनता ने हमें चुनी है और जनता क्या चाहती है, रोड चाहती है, नली चाहती है, गली चाहती है, राशन चाहती है, और हमको जब चुनी है तो हम भी चाहते हैं कि उन लोग के विश्वास पर मैं खड़ा उतरूं। इसके लिए आप कितना तत्पर है? अभी तक आपने कितना राशन कार्ड बनवा दिया, गली नली रोड ये सब?
गली नली तो फिलहाल एक दो काम छोटा छोटा हुआ जो कि निजी फंड से मैडम इंदु जो भी चेयरमैन ने करवाए हैं, और राशन कार्ड जारी है बनने के लिए, ऑनलाइन हो रही है, राशन कार्ड जारी है जी, जो जिसको जिसको नहीं है उसको उसको बनवा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए तेरी जवानी सिद्धि जी। और ये जो है जातीय जनगणना जो हुआ इससे काफ़ी खुश हैं, बिहार सरकार के कार्यों से काफ़ी प्रसन्न है, और इनका मांग है कि जिस तरह से हम लोग का 17% जनसंख्या है उस तरह से हम लोग का हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के मोदी सरकार से भी इन्होंने आग्रह किया है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना हो, और जो भी जातीय जनगणना से संतुष्ट नहीं है उनके लिए भी जो हमारे चैनल को अभी न्यूज़ को देख रहे हैं आप हमें कमेंट करें, हम आपके यहाँ आएंगे न्यूज़ कवरेज करेंगे और जो भी कमियाँ बेसियाँ हैं अपने न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का काम करेंगे। और इन्होंने अंत में बारून के नगर पंचायत चेयरमैन इंदु दे के भी तारीफ करते हुए बारून विकास के कार्यों को इन्होंने एका करके उजागर करने का काम किया, और उन्होंने बताया कि हमारी पहली प्राथमिकता जो हमें वोट दिए हैं राशन नली गली साफ सफाई हमारी पहली प्राथमिकता होगी जिस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।